अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट टच के वाइटनिंग पाउडर का रिव्यू शेयर करूंगी कि आपने इसको यूज़ करते किस तरह से अपनी स्किन को फेयर बना सकते हैं, ब्राइट और इंस्टेंट वाइटनिंग करेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है आज वाइटनिंग पाउडर पे रिव्यू शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को फेयर और वाइट बनाने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा। सॉफ्ट टच वाले इसको प्रोड्यूस करते हैं गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स और ये बहुत अफोर्डेबल है। तकरीबन इसकी 150 या 190 इसकी प्राइस है और ये आपका काफ़ी देर चलेगा, यानी कि आपका ये साल आराम से चलेगा। और 75 ml आपको ये इस तरह से मिलेगा और ये है वाइटनिंग पाउडर। और अब मैं आपको इसको यूज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं जी, इन्होंने लिखा है ये आपकी स्किन को फ्रेश और फेयर करेगा। ऊपर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है और मैन्युफैक्चर डेट भी मेंशन है। तो पहले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये इस तरीके का पाउडर होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक पाउडर है, वाइटनिंग पाउडर, और ये देखें ये कुछ इस तरीके का पाउडर होता है, बिल्कुल पिसा हुआ बारीक पाउडर होता है। अच्छा, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी स्किन केयर में तो सबसे पहले तो आप इसको अपनी ब्लीच के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको दुगना रिजल्ट देगा, ये आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग और ब्राइटनिंग रिजल्ट देगा, यानी कि आपकी स्किन को भी वाइटनिंग करेगा और ब्राइटनिंग करेगा। दूसरा, आप इसको किसी भी स्किन बूस्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वो वीडियो भी लोगों ने मेरी बहुत पसंद की है। और तीसरा, आप इसको स्किन पॉलिश में यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको स्किन पॉलिश में यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप इसको फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? आप इसको अपने किसी भी मास्क में यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप कोई मुल्तानी मिट्टी का मास्क या अगर आपको किसी किस्म का भी मास्क यूज़ करते हैं तो आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को फेयर, ब्राइट और वाइट बनाने के लिए। और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। ये आपकी स्किन में वाइटनिंग प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को फेयर और ब्राइट और क्लियर बनाता है। तो बहुत इसके ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और ये जो है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो बीड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग करते हैं और ये आप इससे इमीडिएट आपकी स्किन जो है वो वाइटनिंग हो जाती है। और ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, स्किन को ग्लोई भी करता है और फेयर भी करता है। आप इसको जो है वो स्किन बूस्टर के साथ भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पे ब्लीचिंग वाला इफेक्ट देने के लिए। उससे आपके बाद फेशियल हेयर्स तो गोल्डन नहीं होंगे लेकिन आपको बड़ा ही ज़बरदस्त ब्लीच जैसा रिजल्ट मिलेगा। और आप इसको जो है अपने हाथों पैरों पर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको हफ्ते में एक बार इसका जो है एक मास्क सा बना के, यानी कि स्किन बूस्टर के साथ इसको मिक्स करके अपने हाथों पैरों पर लगा सकते हैं। उससे भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, हाथ पैर वाइटनिंग होते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग इसको जो है वो स्किन पॉलिश और फेशियल्स में भी और अपने किसी भी मास्क में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी मास्क बनाते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे ये प्रोडक्ट इनके पसंद है। ख़ास तौर पे मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अफोर्डेबल है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जो है घर पे सैलून जैसा कुछ आपको इफ़ेक्ट मिले और आपको उस तरह से ही रिज़ल्ट मिले तो ये पार्लर्स वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है और इसके रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी लाइव करके भी खाया था इसके साथ। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसको ब्लीच में ही यूज़ कर सकते हैं, स्किन पॉलिश में ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप इसको अपने किसी भी मास्क में, जो आप मास्क घर पे अपने फेस के लिए रेडी करते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस इसकी एहतियात है कि आपने इसको 5 मिनट से ज़्यादा अपने फेस पर नहीं रखना और आपने इसकी क्वान्टिटी थोड़ी रखनी है। क्वान्टिटी थोड़ी से मुराद कि आपने इसको इतना सा यूज़ करना है, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा यूज़ करना है। हर चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना कि आपको ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
थोड़ी चीज़ का भी उतना ही असर होता है और ज़्यादा चीज़ का भी उतना ही असर होता है, बल्कि ज़्यादा चीज़ यूज़ करने से आपकी स्किन डैमेज और ख़राब हो जाती है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आपने यूज़ करना है तो इसको थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करें, और साथ में जो है आप इसको 15 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अब आप इसको डेली यूज़ करने लग जाएँ, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। आप इसको जो है हफ्ते में एक बार अपने हाथ पैरों पे यूज़ कर सकते हैं, और 15 से 20 दिन बाद आप इसको अपने फेस पर इस गैप से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।